गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आपको एक समरी बताने वाले हैं आइस एंड फायर, जो कि पोइम टू है, 10th क्लास की दूसरी कविता है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। देखो, मैंने आपको बताया कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर इस पोइम का बाकायदा आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स आपके लिए न केवल काम आपके लिए यूजफुल होगा सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, बल्कि आपको पोइम का एक स्टेंजा दे दिया जाता है। उसमें से कहा जाता है कि इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं नोट्स। तो एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने होने वाले हैं, आप देखिएगा खुद, ठीक है। और कहीं और मत जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आपको पूरा फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, मैं इसकी समरी की बात करता हूँ कि कभी इसमें दो प्रकार की राय रखता है, दो प्रकार के लोगों की राय रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का जो अंत है वो आग से होगा, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इस संसार का जो अंत है ना वो बर्फ से होगा। तो यहाँ पर कभी देखो, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो कभी तो कभी है। तो वो तो उपमा लेते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं दो चीज़ों का, दो असमान चीज़ों का भी कंपैरिजन जब किया जाता है तो उसको सिमली कहते हैं, हिंदी में उसको उपमा कहते हैं हिंदी व्याकरण में, और अंग्रेजी ग्रामर में उसको सिमली कहते हैं। तो कभी कहता है कि देखो, इच्छा आदमी के अंदर है, इच्छा और लालच है, और अगर लस्ट यानी कि कामुकता अगर इंसान के अंदर है तो ये काफ़ी है संसार को नष्ट करने के लिए, क्योंकि किसी मनुष्य में ये जितनी तुम इच्छा पूरी करोगे, एक इच्छा पूरी करोगे, साहब तुम्हें बाइक चाहिए, फिर सब नहीं साहब मुझे तो गाड़ी चाहिए, फोर व्हीलर स्विफ्ट डिजायर चाहिए, अच्छा स्विफ्ट डिजायर तो छोटी है, मुझे तो फॉर्चूनर चाहिए या क्रेटा गाड़ी चाहिए, क्रेटा फॉर्चूनर चाहिए, तो फिर BMW चाहिए। तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती चली जाएगी, तो आप एक को पूरा करोगे दूसरा, ये दूसरे को पूरा करोगे तीसरा, तो जब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी तो इससे क्या आदमी रेस्टलेस हो जाता है। तो ये संसार को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। और वहीं कभी महसूस करता है कि देखो, संसार में जो घृणा है ना, घृणा घृणा ही काफ़ी है संसार को नष्ट करने के लिए। तो बहुत से लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, बहुत सी बातें इधर उधर की फैलाते हैं करते हैं, तो कभी महसूस करता है कि नहीं साहब देखो, आग छोड़ो, बर्फ छोड़ो, और आपदाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस संसार में जो मनुष्य रह रहे हैं आजकल, जो एक दूसरे से घृणा भाव में लगे हुए हैं, तो इस संसार में घृणा ही काफ़ी है इस संसार को नष्ट करने के लिए। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।